पीएम मोदी ने भारत में बैठकर चली ऐसी चाल की खालिस्तानियों की जमकर हुई पिटाई मिट्टी में मिलाने की शुरू हुई तैयारी। जब सच्चे हिंदुस्तानी सिखों ने खालिस्तानियों के बीच सड़क कर दी पिटाई तो तस्वीर देख पूरा हिंदुस्तान बजाने लगा ताली। भारत के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में रहे उनका खात्मा तय है, अब खालिस्तानी ही बन गए अपने ही जान के दुश्मन। जी प्रधानमंत्री मोदी और भारत से जिस जिसने भी पंगा लिया है उसे नंगा करने में भारत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दुश्मन दुनिया के किसी भी देश में जाकर छिप जाए, पीएम मोदी की चील जैसी आंखें चंद सेकंड में उसका खात्मा कर देती हैं। पीएम मोदी भारत में ही बैठकर ऐसी चाल चलते हैं कि विदेश में छिपे भारत के दुश्मनों को मिटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बीते 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ताकत को पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके से दिखाया है उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इसराइल हमास युद्ध और भारत कतर विवाद पर है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और भारत की ताकत के साथ हर एक हिंदुस्तानी को प्राउड फील कराने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को खुशी से झुमा दिया है। कैसे खालिस्तानियों पर पिटाई हुई और कैसे सच्चे हिंदुस्तानी सिखों ने देश विरोधी संगठन को धूल चटाई ये हम आगे बताएं, लेकिन उससे पहले कुछ सेकंड के अंदर इस खालिस्तानी संगठन के भारत के टुकड़े करने के मंसूबे को समझ लीजिए। बीते कई सालों से खालिस्तान भारत के टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहा है। भारत के कुछ ही सिख जो भारत के पंजाब राज्य के साथ कई राज्यों के जिलों को जोड़कर एक अलग सिख देश बनाना चाहते हैं जिसे खालिस्तान नाम दिया जाएगा। भारत के टुकड़े करने की साजिश को लेकर भारत सरकार ने इस खालिस्तानी संगठन पर पूर्ण रूप से बैन लगा रखा है। भारत में ना तो खालिस्तानी नेता है ना ही कोई खालिस्तानी संगठन से जुड़ा कार्यालय, लेकिन विदेश में बैठे बैठे खालिस्तानी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। खालिस्तानी मुख्यतः कनाडा और भारत के कई देश में बैठकर भारत के टुकड़े करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बार बार इनका मिशन फेल हो रहा है और भारत के टुकड़े करने वालों को मिट्टी में मिला रहा है। बताते चले कि खालिस्तानी संगठन प्रमुख गुरपत वंत सिंह भारत को लेकर हमेशा से जहर उगलता आया है, लेकिन भारत भी मिट्टी में मिलाने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। यही वजह है कि भारत में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के एक इशारे पर कई खालिस्तानी आतंकियों की लगातार मौत हो रही है। एक एक कर कनाडा के साथ साथ पूरी दुनिया के हर एक कोने में रह रहे खालिस्तानियों का खात्मा हो रहा है। हर एक या दो महीने में दुनिया के किसी भी कोने से ऐसी खबर आती है कि किसी खालिस्तानी आतंकी की मौत हुई, यहाँ तक कि इन मौत के पीछे के आरोपियों का भी पता नहीं चल पाता है, लेकिन खालिस्तानी इन सभी मौतों का आरोप भारत पर मढ़ता रहता है। इस बीच बताते चले कि खालिस्तानी भारत के टुकड़े करने की साजिश में आप खुद के ही खून के प्यासे हो गए हैं, जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के टुकड़े कर रहे हैं, एक दूसरे की जमकर पिटाई कर रहे हैं, कुर्सियों से प्रहार कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया शहर के युवा शहर के नगर कीर्तन में जमकर पिटाई हुई है। कई लोगों का कहना है कि खालिस्तानियों की पिटाई करने वाले भी खालिस्तानी हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सच्चे हिंदुस्तानी सिख हैं जो अमेरिका के गुरुद्वारे पर खालिस्तानियों के कब्जे से परेशान हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और बताया गया है कि युवा शहर के नगर कीर्तन में भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और हिंदू विरोधी भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि भारत का विरोध करने वाले भारत के टुकड़े करने वाले खालिस्तानियों के अंदर ही अब फूट पड़ गई है। कई देशों में खालिस्तानी अब एक दूसरे के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। पैसे की लड़ाई को लेकर ये संगठन सिख समुदाय और इस पवित्र धर्म को पूरी दुनिया में बदनाम करने पर लगा हुआ है। ऐसे में कट्टर खालिस्तानियों की कीमत अब आम हिंदुस्तानी सिखों को चुकानी पड़ रही है। दुनिया में हिंदुओं के सामने सिख समुदाय लगातार बदनाम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब सिख समुदाय ने खुद ही खालिस्तानियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। खालिस्तानी प्रमुख ने जो साजिश कनाडा में बैठकर रची है अब इसी तरीके का जन संग्रह करने की उसने अमेरिका में भी बड़ी कोशिश की है। जानकारी के लिए बता दें कि जिस शहर में खालिस्तानियों की जमकर पिटाई हो रही है उसी जगह पर खालिस्तानी प्रमुख भारत के खिलाफ जहर उगला था। हाल ही में कुछ दिन पहले जब खालिस्तानियों ने भारत के विरोध में कनाडा में रैली निकालने की कोशिश की थी तो कनाडा में बैठे हिंदू और सच्चे हिंदुस्तानी सिखों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और रैली से पहले पूरे कनाडा को भगवा और तिरंगे में रंग दिया था, जिसके बाद खालिस्तानियों को करारा तमाचा लगा था। ऐसे में अब एक बार फिर से जब यहाँ भारत विरोधी नारे लगे और साजिश रची गई तो उससे पहले ही उनकी पिटाई हो गई। ऐसे में अब ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की चाल और भारत की ताकत पूरी दुनिया में इस कदर है कि दुश्मनों का अपने आप ही नामो निशान मिट रहा है। ऐसे में जल्द ही इस खालिस्तानी संगठन का खात्मा तय माना जा रहा है और एक एक कर जिस तरीके से सफाया हो रहा है एक दिन ऐसा भी आएगा कि दुनिया के हर एक कोने में इन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। खालिस्तानियों की इस पिटाई और पीएम मोदी के मिट्टी में मिलाने के इस प्लान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में।